जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ीशान अली टूर्स में टूर चैनल से आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड यूरोप का बहुत बेहतरीन कंट्री है और अगर उसका पासपोर्ट देखा जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नंबर 3 है। बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और स्टूडेंट्स को बहुत फैसिलिटेट करते हैं ये कंट्री, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और थम्स अप बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलें जी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक आज हमारा ये है कि कौन सा ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे है फिनलैंड जाने के लिए। अच्छा, फिनलैंड की एक और चीज़ है कि अगर आपका फिनलैंड का स्टडी वीज़ा लग जाता है या आपको जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हो। बहुत इजी है। अगर आप यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के साथ इसे कंपेयर करके देखते हो तो इसमें फैमिली को मूव करना वहाँ पर बहुत ईजी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे। तो उसमें दो मैं आपको पाथ बताऊंगा, दो रूट्स हैं, दो वे हैं जो फास्टेस्ट भी हैं और ईजीएस्ट भी हैं। तो दोनों, पहला नंबर पे है जॉब पाथ और दूसरे नंबर पे है एकेडमिक पाथ। तो पहले हम एकेडमिक पाथ पे बात करते हैं स्टडी वीज़ा के बारे में। इसके भी दो ऑप्शन हैं, दो अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक है वोकेशनल स्कूल्स, वोकेशनल स्टडी और वोकेशनल प्रोग्राम आप कह सकते हो, और दूसरा है यूनिवर्सिटी स्टडी। जो मैं आपको बताऊँगा, दोनों वेबसाइट भी आपको बताऊँगा, उनका क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट भी बताऊँगा। जो वोकेशनल स्कूल के बारे में हम बात करेंगे जो टोटली फ्री है या उनकी फ़ीस बहुत कम है। फीस लगभग होगी तकरीबन 350 यूरो से लेके 750 यूरो तक। एक हिसाब से ये फ्री है लेकिन कुछ कोर्सेज फ्री भी हैं। तो मैं आपको इनकी वेबसाइट्स भी बताऊंगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाद में मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा। लोग फिर कमेंट करते हैं कि भाई आपने हमें पहले बता देना था, हम वीडियो देखते ना। भाई ये टोटली आप पे है, मैं सिर्फ बताता हूँ, मैं कर नहीं कुछ भी सकता कि मैं आपको आइलेट्स करवा दूँ या डलिंगो करवा दूँ। मैं ऐसा है, मैं नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों ने करना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आइलेट्स मस्ट है वहाँ पे। पहले आज से कुछ माह पहले लास्ट ईयर तक आइलेट्स की छूट थी कुछ कोर्सेज में, लेकिन नाउ आइलेट्स आपको चाहिए, डलिंगो आपको चाहिए। अच्छा, मैं वोकेशनल स्कूल्स के बारे में बता देता हूँ। ये होता है कि ब्लू कॉलर स्किल्स स्टडी करवाते हैं ये, जैसा कि शेफ है, मैकेनिक है, प्लम्बिंग है और इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो करवाते हैं। ये फ्री हैं। मैं आपको दोनों वेबसाइट बताता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, पहली वेबसाइट है वोकेशनल स्कूल्स के लिए। जब आप उसे गूगल करके चेक करोगे ना तो वहाँ पे हज़ारों कोर्सेज खुल जाएंगे। तो जो आपको सूट करता है वो आप उस पर अप्लाई कीजिए, लेकिन आइलेट्स मैं बार बार कह रहा हूँ मस्ट है। पहली है वेबसाइट www.rivera.fi। अगर आप इसे गूगल करोगे तो आप चेक करोगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज खोल गए हैं। तो जो आपको सूट करता है प्लीज़ उसे अप्लाई करिए। दूसरी वेबसाइट है www.vantaa.fi। इस पे जाइए, फ्री कोर्सेज हैं, पूरा आपके पास चांसेस हैं, जैसा कि दूसरे लोगों के पास हैं, ज़रूर कीजिए जी। ये दोनों वेबसाइट्स आप चेक कीजिए, अगर आपको सूट करता है कोई भी कोर्स अप्लाई कीजिए, आइलेट्स मस्ट है। अच्छा, दूसरा पाथ जो है, दूसरा वे जो है
वो है जॉब वे, जॉब रूट है, जॉब पैथ है, आप उस पे भी आप जा सकते हो, फैमिली को साथ लेकर के जा सकते हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे दो जाने वाले दोस्त हैं जो दोनों लास्ट ईयर में फिनलैंड मूव हुए, मेरे बहुत क्लोज जाने वाले थे। एक तो लड़का था बांग्लादेश से, वो थे आप ने 7 साल सऊदी अरेबिया में काम किया, आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस था, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते थे, आपकी अरबिक बहुत अच्छी थी, तो फिर उन्होंने बैंकमैन का कोर्स भी वहीं पे किया सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने फिनलैंड अप्लाई किया जॉब पैथ, तो उनकी जॉब हो गई। और दूसरे लड़का था इंडिया से, वो अकाउंटेंट थे, उनकी जॉब भी हो गई। अगर वो दोनों की जॉब हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं, ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं आपको दो वेबसाइट्स बता देता हूँ जॉब की भी, और सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सीवी यूरोपास फॉर्मेट की होनी चाहिए, कवर लेटर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपके पास स्किल होनी चाहिए। अभी आप मतलब आप स्किल नहीं है तो जॉब अप्लाई करोगे, वो नहीं आपको जॉब देंगे। स्किल अच्छी होगी, जैसे मैंने दो लड़कों का जिक्र किया, दोनों की जॉब हो गई, उनके पास स्किल बहुत अच्छी थी। इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए आपको लाजमी इस जॉब में भी। अच्छा पहली वेबसाइट है www.barona.fi, मैं खैर स्क्रीन पे भी चला दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दूसरी जॉब दूसरी वेबसाइट है www.mol.fi, दोनों वेबसाइट खोलिए, हज़ारों जॉब्स आती हैं वहाँ पे, अप्लाई कीजिए। वो फिनलैंड लैंग्वेज में लिखा होगा, फिनिश में, तो आप अगर आप कहोगे कि आपको नहीं आती उसको ट्रांसलेट कर लें, इंग्लिश आनी चाहिए जाके। अगर आपका इंशाल्लाह अगर वीज़ा हो जाता है, अगर आपका दाना पानी लिखा हुआ है, जाके ज़ुबान सीखिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको घर बैठ करके नहीं आएंगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, सीखने से आएगी। ठीक है दोस्तों, मेरा काम था कि आपको पैगाम देना, दाखले शुरू हो चुके हैं, 28th August को दाखले शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर तक आप इससे पहले अप्लाई कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।